Hello everyone, Pooja here from Easy Vastu. So welcome. You know, आज जैसे कि आप टाइटल से समझ चुके होंगे, आज का ये वीडियो है रिगार्डिंग साप्ताहिक राशिफल फॉर दिस अपकमिंग वीक. एंड रिसेंटली मैंने कुछ वीडियोस पोस्ट किए हैं रिगार्डिंग पिक अ कार्ड फॉर नेक्स्ट 72 आवर्स, टाइमलेस रीडिंग है, एंड नेक्स्ट 3 मंथ्स कैसे रहेंगे एज पर पिक अ कार्ड. सो ज़रूर चैनल पर जाके आप चेक कीजिएगा. एंड अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड हिट द बेल आइकन, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियोस पोस्ट करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन आ सके. अगर आप डेली टैरो रीडिंग, वास्तु फेंग शुई टिप्स जानना चाहते हैं, सो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम और एल्स ऑन फेसबुक. नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स अवेलेबल हैं. सो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं. एंड बिफोर दैट आई फॉरगॉट, पायराइट क्रिस्टल के ऊपर मैंने ब्लॉग लिखा है, कुछ इस तरीके से दिखता है. आई गेस मेरे रिसेंटली पिक अ कार्ड में भी मैंने बताया था, दिस इज़ अ ग्रेट क्रिस्टल टू अट्रैक्ट मनी एंड अबंडेंस के लिए. कितनी खूबसूरत शाइन है इसमें, ये नेचुरल धरती माता की शाइन है ये. सो दिस इज़ हाउ मदर अर्थ हमें इतनी खूबसूरत चीज़ें देती हैं. दिस इज़ रियली ग्रेट क्रिस्टल फॉर वेल्थ, अबंडेंस एंड एवरीथिंग. और भी बहुत बेनिफिट्स हैं, सो मैंने ब्लॉग में लिखे हैं, आप ज़रूर जाके उसको पढ़ सकते हैं. सो रेस्ट, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम हमारे जोडियक साइन से. ईच एंड एवरी जोडियक साइन से क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स. हेलो जेमिनी, सो देख लेते हैं इस हफ्ते आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या गाइडेंस है. सबसे पहली चीज़ हम देख लेंगे इमोशनली आपके लिए क्या एनर्जीज दिख रही हैं इन योर पर्सनल लाइफ. इमोशनली क्या कार्ड्स आपको कहना चाहते हैं फॉर दिस कमिंग वीक. पहली चीज़ जेमिनीज, इस वीक तो बिल्कुल भी आर्ग्यूमेंट अवॉइड कीजिएगा. आई डोंट रिमेम्बर, मे बी लास्ट वीक भी सेम एनर्जीज थी कि नहीं, बट कहीं ना कहीं दिख रहा है कि अगर आपको लगे आपके आपके दोस्तों से या यारों से या फैमिली से नहीं बन रही है, जस्ट अवॉइड इट. एंड अगर कोई कम्युनिकेशन हो रहा तो आप पहले गिव अप कर दो या कॉम्प्रोमाइज़ कर दो, अच्छा माना जाएगा. उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लें, सोचे नहीं कि वो हमारी क्यों नहीं सुन रहे हैं, क्यों नहीं समझ रहे हैं, कब सुनेंगे कब समझेंगे. जस्ट लेट इट गो, टेक इट ईजी, अपने आप टाइम से चीज़ें हो जाएंगी, इस चीज़ का आप ध्यान रखें. बट इस वीक जितना हो सके भैया आर्ग्यूमेंट को थोड़ा कम ही रखें तो अच्छा माना जाएगा. कहीं ना कहीं इन दिस वीक में हर्मिट के भी कार्ड्स हैं समवेयर. कुछ जेमिनीज का मन कर सकता है कि यार अपने साथ टाइम बिताओ, लोग हमें नहीं समझ रहे हैं, सो इट्स बेटर कि आप अपने साथ थोड़ा वक्त बिताएं. तो इस तरीके की भावनाएं आपके मन में आ सकती हैं. अगर ये सेल्फ टाइम आप अपने लिए बिताते हो सो आपके लिए अच्छा और बेहतर एंड पॉजिटिव ही माना जाएगा जेमिनीज, बिकॉज ये टाइम होता है हीलिंग का, समझने का, खुद को जानने का, पहचानने का, आइडियाज़ लाने का एंड रियल आंसर्स ढूंढने का, जो सिर्फ आपको और आपकी आत्मा को ही पता होता है और किसी को नहीं पता होता है. सो ये आंसर्स कई बार मेडिटेशन, योगा, स्पिरिचुअलिटी या बस अकेले यूं ही वक्त बिताने से आपको रियलाइजेशंस एंड आंसर्स ज़रूर मिलते हैं, ज़रूर मिलते हैं. आगे टू ऑफ पेंटिकल्स के भी कार्ड है इमोशनली. कोई ना कोई चीज़ को लेकर ना जेमिनीज कन्फ्यूज, तो आप कोई ना कोई बात चल रही है, आपका कोई पॉइंट है जो आपके घर वाले, आपकी फ्रेंड्स फैमिली नहीं समझ पा रहे हैं, एंड आप परेशान हो कि भाई मेरी क्यों नहीं सुन रही है, मेरी क्यों नहीं चल रही है, क्या डिसीजन लूँ, फैमिली की सुनूँ या अपने मन की सुनूँ, नहीं समझ आ रहा है. इन चीज़ों को लेकर कोई ना कोई डिसीजन मेकिंग में कन्फ्यूजन बनी हुई है, क्लैरिटी नहीं आ पा रही है, तो वो कन्फ्यूजन वाला वीक तो है. सो इसमें मैं कहूँगी लड़े नहीं अपने फैमिली या फ्रेंड से, जो भी सिचुएशन है. या मैं कहूँगी कई बार मन दिमाग की भी लड़ाई होती है, दिमाग कह रहा होता है भाई कुछ और, मन कह रहा होता है कुछ और, तो ये मन दिमाग की भी लड़ाई होती है जिसमें बंदा परेशान होकर कहीं ना कहीं अकेले बैठने का उसका मन करता है. तो इस तरीके से विचलित या मैं कहूँगी थोड़ी सी डिस्टर्ब एनर्जीज आपके लिए दिख रही हैं आपके काम इमोशनली एनर्जीज को देख कर. सो मैं कहूँगी टेक इट ईजी जेमिनीज, ये वीक की कुछ ऐसी एनर्जीज है, बहुत प्रेशर मत लो. मैं कहूँगी जितना ये हर्मिट वाली एनर्जी में रहोगे ना भाई, शांत, ठीक है, आंसर्स अपने आप मिलेंगे, दिस इज़ द बेस्ट एनर्जी. सो आउट ऑफ ऑल द 3 कार्ड्स तो मैं कहूँगी उस पर फोकस करो, ये दिख रहा है. आगे देख ली तो करियर के लिए क्या मैसेजेस हैं. Thank you.
करियर में कैसा रहेगा ये वीक फोर जेमिनीज? अगेन थोड़े से फाइव ऑफ सोर्ड्स के कार्ड है जेमिनीज। काम में भी मैं कहूँगी अगेन फाइव ऑफ पेंटिकल्स एंड फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जीज इंडिकेट करते हैं कि भैया आपकी आपके आसपास के लोगों से इतनी नहीं जम रही है, या कोई ना कोई आपके लिए नेगेटिव एनर्जीज प्लान कर रहा है या आपको फंसा सकता है। सो इट्स बेटर उनसे दूर रहे, उन पंगों में ना पड़े तो बहुत अच्छा होगा। पहली एडवाइस तो मैं यही दूंगी एज पर करियर एंड वर्क ऑल्सो। दूसरी कार्ड की ओर अगर चलते हैं सो बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं। दी एम्परर के कार्ड्स है जो एक पावर, ग्रोथ, स्टेबिलिटी, कॉन्फिडेंस, सक्सेस, रिकग्निशन, जॉब मिलना अच्छी चीज़ें इंडिकेट कर रहा है। काफ़ी मेहनत करोगे, हार्डवर्क करोगे। आगे द मैजिशियन के भी कार्ड्स आ गए जो इंडिकेट कर रहा है वेरी वेरी गुड एनर्जीज फॉर यू जेमिनीज इस वीक में। सो बस थोड़ा सा ये दूसरों के मैटर में बहुत ज़्यादा आप इन्वॉल्व होकर पंगे ना लें, एंड अगर कोई आपके इसमें ले रहा तो आप थोड़ा सा दूर रहें। बस इन चीज़ों का आप ध्यान रखें, रेस्ट यू नो गुस्से को कंट्रोल रखिए, गुस्से में आके कुछ भी किसी से मत कहिए, अपने काम पे ध्यान दो। काफ़ी अच्छे से आप अपनी पोजीशन कैसे भी करके अपनी पोजीशन मेंटेन करते हुए दिख रहे हो, स्टेबिलिटी मेंटेन करते हुए दिख रहे हो। जो चीज़ के लिए आप इतने टाइम से फोकस लड़ाई कर रहे हो वो मिलती हुई बनती हुई दिख रही है। दैट इज़ अ गुड थिंग जेमिनीज, यू नो। सो ये मुझे दिख रहा है आपके लिए। आई सी पावर, आई सी कॉन्फिडेंस, आई सी गुड एनर्जीज। आइडियाज़ भी जो आएंगे ना उस पर अच्छे से काम करो। सो वीक अच्छा है, थोड़ा सा स्टार्टिंग का वीक थोड़ा सा डिस्टर्बिंग हो सकता है, बट आगे सब कुछ ठीक और बढ़िया है। दिस इज़ व्हाट आई सी फॉर यू जेमिनीज। सो कमेंट बॉक्स में बताना। आगे डिवाइन गाइडेंस की बात कर लेते हैं, क्या कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए। एनर्जी, ये तो हम बात कर रहे थे अभी टैरो कार्ड्स में, नो एनर्जी, विल पावर, इनर स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस, कर्म करने की शक्ति। खूब मेहनत करोगे इस वीक में जेमिनीज। आगे भी रिबर्थ के कार्ड्स आए हैं, आई थिंक क्या ये सेम कॉम्बिनेशन पिछली बार भी आया था जेमिनीज, आई डोंट रिमेम्बर, बट इनो रिबर्थ के कार्ड्स है। दोनों ही रेड ऑरेंज कलर के कार्ड्स जो इंडिकेट करता है फायर, पैशन। सीधी सीधी लाइन लिखी है, नो मैटर वॉट हैपन्स यू कैन फाइंड न्यू विंग्स। कितनी पावरफुल लाइन है, कुछ भी हो जाए आप अपने, यू नो, एक कहने की बात है बट इसका बहुत ही डीपर मीनिंग है अगर आप इसको दिल से सुने और समझे तो। यू नो कहीं ना कहीं जो मर्जी हो जाए आप अपने पंख फिर से खोज सकते हो। आपको अगर लगे कि कोई चीज़ की वजह से आप कहीं अटक गए, रुक गए, ज़िंदगी में अटक गए, फिर से नई शुरुआत आप कभी भी किसी भी मंजिल या रास्ते से कर सकते हो, उसका मीनिंग ये है। And that's a very very powerful thing. मतलब give up का तो ऑप्शन ही नहीं दिया है कार्ड्स ने आपको, कहा है जो मर्जी हो जाए, आग लग जाए, तूफान आ जाए, सब कुछ ख़त्म हो जाए, give up नहीं करना है, you have to keep going Geminis. And आगे एनर्जीज के कार्ड है, वेरी गुड एनर्जी। टेक टाइम फॉर द ड्रीमर इन यू, एंड आपको कह रहे हैं सपने देखो, बड़े सपने देखने से मत डरो। यहाँ पे लिखा है दैट टेक टाइम फॉर द ड्रीमर इन यू। आपके अंदर जिसको सपने देखना पसंद है, जिसके बड़े बड़े ड्रीम्स हैं, उन सपनों को आप मत काटो। थोड़े बहुत एक दो फेलियर होने की वजह से मत सोचो आपकी ज़िंदगी ख़त्म है ना, हार जाओगे। मैंने कितने क्लाइंट्स देखे हैं, कितने एक्सपीरियंसेस, यू नो, मैंने लोगों के सुने हैं, देखे हैं कि नो ज़िंदगी में जब सब कुछ ख़त्म होने जा रहा होता है, लगता है कुछ भी नहीं, अब इसके आगे तो बचा ही गया, कुछ है ही नहीं, तभी ज़िंदगी पलटती है, नए अवसर लाती है, नई अपॉर्चुनिटीज़ लाती है, काम बनते हैं, सब कुछ होने लग जाता है। सो ये ऊपर वाले की मेहर है, कुदरत की मेहर है, जो वो इंसान पे कर देता तो ना, उस कुदरत पे भरोसा रखें, विश्वास आपका ना टूटे, ये भरोसा बनाए रखें। दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट मैसेजेस फॉर यू नो जेमिनीज। आई होप आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। इफ सो देन डू लेट मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो। थैंक यू सो मच।